हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीए संसार एंड दिस इज सीए स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम अंडर जीएसटी। लेट्स सी। न्यू जीएसटी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम रोल आउट अनाउंसमेंट। जीएसटी के अंदर एक इन्होंने अनाउंस किया है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आईएमएस के नाम से बहुत सारी इसकी क्वेरीज आ रही हैं कि ये है क्या है। जीएसटी नेटवर्क के अंदर जो आईएमएस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या है, और ये एप्लीकेबल होने जा रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर। तो ये असिस्ट करेगा टैक्स पेयर्स को इन मैचिंग देयर रिकॉर्ड्स एंड इनवॉइसेस विद दोज इशूड बाय द सप्लायर्स टू इंश्योर दैट दे क्लेम द करेक्ट आईटीसी विद इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 1। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि नाम से ही हमें पता लग रहा है, जो जीएसटी के अंदर हम लोगों ने इनवॉइसेस बनाए हैं, जब हम उसका पहले ई वे बिल बनाते हैं, ई इनवॉइस बनाते हैं, तो ई इनवॉइस से क्या होता है, आपको पता है कि अगर आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, तो ई इनवॉइस जैसे ही हम उसका काटते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे जीएसटी 1 के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो हमें दोबारा से उस इनवॉइस को जीएसटी 1 के अंदर पंच नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली ई इनवॉइस बनाने से ही हमारा इनवॉइस जीएसटी 1 के अंदर चला जाता है। तो अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इनवॉइसेस जो है वो भी वहां पर सारे के सारे एडजस्ट किए जाएंगे सिस्टम के अंदर, आईएमएस सिस्टम के अंदर इनवॉइसेस में सारे पंच किए जाएंगे, जैसे कि आपको पूरे के पूरे इनवॉइस की डिटेल वहां पर मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन टू द इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आईएमएस सिस्टम क्या है, तो सबसे पहले ये जीएसटी पोर्टल जो इंट्रोड्यूस करने जा रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 से। तो 1 अक्टूबर 2024 से हमारा एक नया इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं। इट इज डिजाइन टू स्ट्रीमलाइन इनवॉइस प्रोसेसिंग बिटवीन द सप्लायर्स एंड रेसिपिएंट। तो बेसिकली सप्लायर ने जो भी इनवॉइस काटा है उसको वो अपने पोर्टल के ऊपर चढ़ाएगा, वहां पर आईएमएस सिस्टम के ऊपर चढ़ाएगा, जो कि रेसिपिएंट वहां से उसको देख पाएगा। तो इससे क्या होगा कि वो अपना आईटीसी जो है वो करेक्ट क्लेम कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपको 3 तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग। या तो आप उस इनवॉइस को एक्सेप्ट करोगे तो आपके 2A 2B के अंदर वो रिफ्लेक्ट होगा आईटीसी, रिजेक्ट करोगे तो नहीं होगा, पेंडिंग होगा। तो पेंडिंग का मीनिंग क्या, आप नेक्स्ट मंथ में अगर आप उसे लेना चाहते हैं या उससे भी नेक्स्ट मंथ में जब भी लेना चाहेंगे तब आप लेंगे। बट इन केस अगर आप उसको कुछ नहीं करते हो तो वो डीम्ड एक्सेप्टेड कंसिडर किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके जो एरर्स हैं, जो आपके रिकंसिलेशन में दिक्कत आती है कि कई सारे, क्योंकि वहां पर आप लोगों के पास आईटीसी तो आ गया, हम लोग पोर्टल से वो उठा तो लेते हैं, अब आईटीसी को जब मैच करने लगते हैं तो कई सारे एरर्स आते हैं कि वो डिस्क्रिपेंसीज आती है कि उसको मैच कैसे करें। तो उससे ये जो आईएमएस सिस्टम है, इस सिस्टम के थ्रू उस रिकंसिलेशन के अंदर हेल्प मिलेगी हमें। की फीचर्स ऑफ द न्यू जीएसटी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है आईएमएस सिस्टम, इसके अंदर जो की फीचर्स हैं वो क्या रहने वाले हैं, ये इनवॉइस एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन एंड पेंडिंग स्टेटस। तो बेसिकली आईएमएस सिस्टम के अंदर आपको इस तरह से दिखाई देंगे कि जैसे कि यहाँ पर सीरियल नंबर आ गया आपके पास, ये आपके पास जीएसटीएन ऑफ द सप्लायर आ गया, ये ट्रेड नंबर, इनवॉइस नंबर ये आ गया, इनवॉइस की टाइप, यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस आ गई, और ये आपके पास आ गया स्टेटस इसका। या तो आप क्या होगा, आईएमएस सिस्टम के अंदर आपके पास सारे के सारे इनवॉइसेस आ रहे हैं, आप क्या करेंगे यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर तो आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, दैट मीन्स इस इनवॉइस को आप एक्सेप्ट कर रही हैं, तो ये आपका 2A 2B के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये आईटीसी आपके बुक्स में भी आ जाएगा और आपके पोर्टल के ऊपर भी शो होगा। अगर आपने इस इनवॉइस को रिजेक्ट कर दिया तो इसका आईटीसी भी आपके पोर्टल के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। आपने इसको पेंडिंग कर दिया, पेंडिंग फॉर एक्शन, तो जब भी आप इसको करेंगे, जब भी ये पेंडिंग से निकल के एक्सेप्ट या रिजेक्शन में आएगा तभी इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और इन केस अगर आप कुछ नहीं करते हो, तो एक विद इन द टाइम फ्रेम के अंदर कुछ नहीं करते हैं, तो उस केस में उसे डीम्ड एक्सेप्टेड जो है वो कंसिडर किया जाएगा। और सेम वे के अंदर ये जीएसटी 1A कौन सी है हमारी, जो अमेंडमेंट वाली आई हुई है, और आईएफएफ कौन सी है हमारी, जो क्वार्टरली है, तो उनके लिए भी सेम वे के अंदर एप्लीकेबल रहेगा। तो बेसिकली क्या हुआ कि
आपके जितने भी इनवॉइसेस हैं अभी तक क्या है, जब भी हम अपना 2A2B देखते हैं तो 2A2B के अंदर हमें अपनी सारी के सारी डिटेल्स मिल जाती है कि कौन कौन से इनवॉइसेस का ITC हमारे बुक्स के अंदर आ रहा है, 3B के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इनवॉइस वाइज डिटेल हमें वहां पे सारी मिल जाती है। तो अभी क्या है, उसको थोड़ा सा और इसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन उन्होंने कर दिया IMS। IMS के अंदर क्या है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर दिखाई जाएगी। इन्फॉर्मेशन जो दिखाई जाएगी आपके ऊपर है कि आप उसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं या उसको पेंडिंग करते हैं, ठीक है। पहले क्या था, जितने भी आपके GST नंबर के ऊपर जितने भी इनवॉइसेस दिख रहे हैं वो सारे के सारे आपके 2B के अंदर रिफ्लेक्ट हो गए। अब उन्होंने उसके अंदर तीन ऑप्शंस आपको दे दिए, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग। एक्सेप्ट करोगे तो आपके 2B में दिखाई देंगे, रिजेक्ट करोगे तो 2B में नहीं दिखाई देंगे, और पेंडिंग है तो जब तक वो पेंडिंग का स्टेटस एक्सेप्ट या रिजेक्शन में नहीं आता तब तक उसके ऊपर फर्दर एक्शन नहीं होगा। इम्पैक्ट ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC। अब वही जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा ITC के ऊपर। Only the accepted invoices are reflected in GST या 2B। At present scenario में क्या है, जितने भी invoices हमने पोर्टल के ऊपर हमारे चढ़ गए तो उसके ऊपर जिसके ऊपर भी हमारा GST का नंबर है वही invoices हमें दिखाई दे रहे हैं, हमारे 2B के अंदर सभी invoices हमारे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब आगे फर्दर आपको क्या मिल गया, accepted, rejection और pending, तीन categories के अंदर उन्होंने divide कर दिया कि अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो तभी वो आपको 2B के अंदर दिखाई देंगे, अगर आपका कोई ऐसे इनवॉइस है जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया है तो वो आपके 2B के अंदर आएगा ही नहीं। जब आपके 2B में नहीं आएगा तो वो ITC में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ITC में रिफ्लेक्ट नहीं होगा आपके 3B में नहीं आएगा तो आप 3B का ITC, 3B के अंदर जो ITC है उसकी कैलकुलेशन आपकी सही रहेगी। जिसको हम देखते हैं, ओनली द एक्सेप्टेड इनवॉइसेस आर रिफ्लेक्टेड इन जीएसटी टू बी इंश्योरिंग ITC क्लेम्स आर बेस्ड ऑन वैलिड वेरीफाइड इनवॉइसेस रिड्यूसिंग एरर्स एंड फ्रॉड। सिर्फ जो सही इनवॉइसेस हैं जिसको आप ओके कर रही हैं उसी का ही, उन्हीं इनवॉइसेस का ही ITC आपके 2B में रिफ्लेक्ट होगा। इफ नो एक्शन इज टेकन इनवॉइसेस आर डीम्ड एक्सेप्टेड एंड ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड इन 2B इजिंग कंप्लायंस एंड अलाउइंग टैक्स पेयर्स टू फोकस ऑन कोर बिजनेस टास्क। अगर आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया तो उस केस में इनवॉइसेस डीम्ड एक्सेप्ट जो है वो मान लिए जाएंगे और आपके 2B के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। वर्क फ्लो एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। तो IMS सिस्टम का जो वर्क फ्लो है वो किस तरह से रहेगा, उसका भी इसी तरह से उसको इम्प्लीमेंट जो है वो किया जा रहा है। ये देखो, When a supplier uploads an invoice, it shows in the recipient IMS dashboard. अब इसके अंदर क्या होगा? अभी तक क्या था? हम e-invoice बनाते हैं, ठीक है? e-invoice हमने बनाया, तो जो हमने सप्लाई बनाना किसमें होता है? जो सप्लायर ने बनाया तो वो रेसिपिएंट के वहां पर दिखाई देते हैं। तो अभी तक क्या है, इनवॉइस अपलोड होके नहीं जा रहा था, सिर्फ इनवॉइस की डिटेल्स आपको वहां पर 2B के अंदर दिखाई देती है। अब IMS सिस्टम आ गया, IMS सिस्टम के अंदर क्या होगा, जैसे ही आप इनवॉइस बनाएंगे इनवॉइस पूरा का पूरा अपलोड हो जाएगा IMS सिस्टम के ऊपर, और वो किसको दिखाई देगा, IMS डैशबोर्ड के ऊपर, रेसिपिएंट का जो IMS डैशबोर्ड है वहां पर उसको पूरा का पूरा इनवॉइस दिखाई देगा। अभी तक हमें डिटेल्स दिखाई देती है, GST नंबर दिखाई देता है, उसके अंदर दिखाई देता है कि ये उसकी टैक्सेबल वैल्यू है, इतना उसने GST लगाया और ये हमारी टोटल इनवॉइस की वैल्यू है, वो सब हमें डिटेल्स मिल जाती है। अब IMS सिस्टम के थ्रू क्या होने जा रहे हैं, नेक्स्ट मंथ से क्या हो जाएगा, हमें पूरा का पूरा इनवॉइस ही पोर्टल से दिखाई दे जाएगा। जो IMS का डैशबोर्ड है वहां पर सप्लायर अपलोड करेगा इनवॉइस, तो जो रेसिपिएंट है उसके IMS के डैशबोर्ड के ऊपर वो वहां पर इनवॉइस ही देख सकते हैं। तो रेसिपिएंट जो है उसको तीन तरह के एक्शन लेने हैं, तीन में से कोई एक एक्शन उसको लेना है, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग। तो या तो वो एक्सेप्ट करेगा, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिए तो वो उसके 2B के अंदर ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएंगे और ITC उसका जो है वो कंसिडर किया जाएगा और ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा 3B में। रिजेक्ट कर दिया तो 2B के अंदर वो इनवॉइसेस जो है वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो 2B के अंदर इनवॉइसेस ही नहीं आए तो उसका ITC उसको ऑटो पॉपुलेट होके भी नहीं मिलेगा। तो पेंडिंग के अंदर क्या रहेगा, अगर आपने उसको पेंडिंग कर दिया तो करंट मंथ के लिए वो पेंडिंग रहेगा जब तक कि आप उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करते हैं फर्दर एक्शन के अंदर। तो इससे ये फायदा हो जाएगा, पहले क्या होता था लेटेस्ट कि हम क्या करते हैं, हमने वही इनवॉइसेस अपने बुक्स के अंदर लिए जो कि हमें लेने हैं,
बट हमें पता चलता है कि पोर्टल के ऊपर हमारा आईटीसी जो है वो ज्यादा बोल रहा है या कम बोल रहा है। हो सकता है अगर ज्यादा बोल रहा है, कुछ ऐसे इनवॉइसेस हैं जो कि हमने अभी नहीं लिए हैं, हो सकता है कि हमें फर्दर उसके ऊपर कोई करेक्शन करवानी है या उसका कोई डेबिट या क्रेडिट नोट हमें रेज करवाना है, तो उसके बाद ही हम उन इनवॉइसेस को अपने बुक्स में ले सकते हैं। तो अब ये फायदा हो गया कि अगर आपने अपनी बुक्स में इनवॉइसेस नहीं लिए बट आपके पोर्टल के ऊपर शो हो रहे हैं, तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आपने उसको रिजेक्ट कर दिया तो डेट मीन्स आपके बुक्स में भी वही आईटीसी आएगा जो कि इनवॉइसेस आपने पोर्टल के ऊपर एक्सेप्ट किए हैं। तो आपका आईटीसी जो रिकन्सिलेशन के अंदर जो टाइम लग रहा था, रिकन्सिलेशन इजी हो जाएगी, और जो एरर्स है जो आईटीसी एक्स्ट्रा आ जाता था तो उससे आप लोग अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हो। हैंडलिंग अमेंडमेंट्स एंड अपडेट्स। अब हम बात करते हैं अमेंडमेंट की। तो GSTA 1 आपको पता है कि मंथली जो भी फाइलर्स हैं उन्हें GSTA 1 अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, जिसके अंदर हम सारी के सारी अपनी आउटवर्ड सप्लाईज जो है वो दिखाते हैं। GSTA 1 के साथ साथ उसके अमेंडमेंट के लिए एक रिटर्न आई GSTA 1A। तो अगर आपने अपनी उसके अंदर कोई अमेंडमेंट्स किए हैं, अमेंडमेंट्स मेड आफ्टर GSTA 1A इंक्लूजन इफेक्ट आईटीसी फॉर द नेक्स्ट मंथ इंश्योरिंग एक्यूरेट ट्रैकिंग एंड रिफ्लेक्शन इन GST रिटर्न्स। तो अगर आपने कोई उसके अंदर अमेंडमेंट किए हैं तो उसके अंदर उसका जो आईटीसी है वो उसको इंक्लूड करेगा फॉर द नेक्स्ट मंथ के अंदर। स्पेशल कंसिडरेशन फॉर QRMP टेक्सपेयर्स। QRMP टेक्सपेयर्स कौन से हैं? जो कि क्वार्टरली वाले हैं। तो सेम वे में उनका जो क्वार्टरली वालों का है उनका भी हम चेक कर लेते हैं। फॉर QRMP स्कीम टेक्सपेयर्स द सिस्टम फोर्स द जनरेशन ऑफ टू बी ऑन ए क्वार्टरली बेसिस। तो इस केस में क्या होता है, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर उनकी टू बी जो है वो जनरेट होती है। इनवॉइसेस अपलोडेड वाया IFF, क्योंकि वहां पर मंथली वाले जो है वो GST 1 फाइल करते हैं, तो जो क्वार्टरली वाले हैं वो IFF फाइल करते हैं। Invoices uploaded via IFF are processed within the IMS aligning with the QRMP reporting schedule. तो इनका जो schedule रहेगा वो quarterly ही रहेगा। This integration shows that the business under the QRMP scheme can maintain the streamlined compliance with their quarterly reporting requirements. तो same way में जैसे GSTA 1 है उसी तरह से IFF है, और सेम वे में जैसे उनके इनवॉइसेस अपलोड होंगे उनका जो आईटीसी अपलोड होगा 2B और 2B से 3B में जाएगा, सेम वे में इनका भी इनवॉइसेस जो है वो अपलोड होंगे सिस्टम के ऊपर, और वहीं से आईटीसी 2B में जाएगा, वहीं से ऑटो पॉपुलेट होकर 3B में आएगा। बस इनकी जो ड्यूरेशन है वहां पे मंथली है, ये क्वार्टरली रहेगा। तो बेसिकली जो अभी के लिए हम लोग जो इनवॉइसिंग बना रहे हैं उसी का एक इनहेंस वर्जन आ गया। इनवॉइस जो बन रहा है उसी तरह से वो सब कुछ चलता रहेगा जीएसटी पोर्टल के ऊपर, लेकिन अभी के लिए हमें सिर्फ डिटेल्स मिलती थी, इनवॉइस नहीं मिलता था। अगर सपोज मान लो हमें किसी पार्टी को कोई इनवॉइस चाहिए, जैसे क्या है इससे एक और काम में आपको यूज हो जाएगा, जब आपकी जीएसटी असेसमेंट्स होती है तो जीएसटी असेसमेंट्स के अंदर कई बार क्या आते हैं, नोटिस आते हैं कि आपने आईटीसी इसका ज्यादा लिया है या फिर आपने इस पार्टी का आईटीसी लिया है जो कि जिसका कि नंबर जैसे है इनएलिजिबल है, नंबर इनएलिजिबल नहीं, जैसे कि उस पार्टी का नंबर जो है वो बंद हो रखा हुआ है, तो उस आईटीसी के लिए आप लोग इनएलिजिबल है। आपने आईटीसी ले लिया, उसके लिए आपको क्या है, अपने जो भी मिसमैच आता है डिपार्टमेंट की ओर से जो भी क्वेरीज आती है उसको मैच करवाने के लिए आपको इनवॉइसेस की डिटेल्स चाहिए होती है। जब आप पोर्टल के ऊपर जाते हो तो पोर्टल के ऊपर आपको सिर्फ डिटेल्स मिलती है, इनवॉइसेस नहीं मिलते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट को दिखाने के लिए या डिपार्टमेंट को जस्टिफाई करने के लिए आपको वहां पर इनवॉइसेस रिक्वायर्ड होते हैं। तो इस सिस्टम से, IMS सिस्टम से एक फायदा हो जाएगा, हर इनवॉइस आपको पोर्टल के ऊपर मिलेगा। जैसे ही आपको हर इनवॉइस पोर्टल के ऊपर मिलेगा तो इनके साथ आपने कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई रिकन्सिलेशन बनानी है या फिर आपके पास कोई इस तरह का केस आया है कि जिसके ऊपर डिपार्टमेंट ने बोला है कि आपने ये एक्स्ट्रा आईटीसी ले दी है जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, लेकिन आपका आपका जो रिप्लाई है वो है कि आपने जो आईटीसी लिया है वो करेक्ट है, आपको इनवॉइसेस चाहिए, तो आप सीधा इनवॉइस जो IMS सिस्टम के थ्रू IMS डैशबोर्ड के ऊपर उसका जीएसटी नंबर डाल के अपना इनवॉइस जो है वो निकाल सकते हो, और अपने रिटर्न के लिए जहां पे भी आप अपने केस का रिप्लाई बना रहे हैं तो उसके साथ अपना अटैच कर सकते हैं। तो IMS सिस्टम के अंदर पूरा का पूरी जो भी डिटेल्स हैं, डिटेल्स के साथ साथ आपको इनवॉइस मिलेगा, और इनवॉइस मिलने के साथ साथ आपको एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग करने की ऑप्शन दी जा रही है। ठीक है, तो जीएसटी सिस्टम डे बाय डे जो अपने सिस्टम के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, बेसिकली इंडस्ट्री से ही उनके पास जाती है कि जो जो लोगों को डेली यूजर्स को जो दिक्कत आ रही है उसी को सिंप्लीफाई करने की उनकी कोशिश है।
उसी को ध्यान में रखते हुए आईएमएस सिस्टम को लॉन्च करने जा रहे हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 से। तो आपको सारे के सारे इनवॉइसेस जो है वो अपलोड करने पड़ेंगे। ये आपका काम बढ़ गया कि आपको इनवॉइसेस अपलोड भी करने पड़ेंगे और आपके जो रेसिपिएंट है उसके डैशबोर्ड के ऊपर उसको इनवॉइसेस सारे के सारे वहां पर मिल जाएंगे। तो आपके पास ऑप्शन है एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग करने का। इनकेस अगर आप अपनी बुक्स में उसको ले रही हो, उसका इनवॉइस ले रही हो, तो आप पोर्टल के ऊपर उसे एक्सेप्ट करो तो आपका आईटीसी मैच हो गया। अगर आपने अपनी बुक्स में अभी तक उस बिल को नहीं लिया, किसी भी वजह से आपने बिल नहीं लिया, माइट भी आपने उसका कोई डेबिट या क्रेडिट नोट रेज करवाना है तो आपने नहीं लिया, आप उस बिल को रिजेक्ट करो अभी के लिए। अगर रिजेक्ट कर रही है या उसको पेंडिंग करो, ठीक है, तो उस बिल को पेंडिंग कर दो। अगर आपने जिस मंथ में लिया फर्दर मंथ, लेट अस सपोज कि हम कहते हैं कि आपने 2 मंथ्स के बाद दिया है, तो 2 मंथ्स के बाद उसको एक्सेप्ट करो, बुक्स में भी आपने डाल लिया उसमें भी एक्सेप्ट करो, आपका आईटीसी अगेन मैच हो गया। इनकेस अगर कोई ऐसा बिल आपके पास आ गया जिसको आपको रिजेक्ट करना है, क्यों किसी भी वजह से हो सकता है कि उसके अंदर जो गुड्स की क्वालिटी है वो खराब है, आपने उस बिल को वापस करना है, उसका जो सामान बिल के थ्रू जो भी आया है उसको वापस करना है, तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो क्योंकि आपने अपने बुक्स में उस बिल को एंटर नहीं किया। आप उसको रिजेक्ट कर दो, आपका आईटीसी अगेन मैच हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जीएसटी ये जो है आपको बिल्स जो एंटर करने का थोड़ा सा वहां पे बर्डन आएगा, लेकिन आगे जो रिकंसिलेशन फेसेस है उसमें काफी ईज मिलेगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल सीएस अंसार। थैंक यू।